भैया ये कितना दिन लगेगा एक कारपेट बनने में? 2 महीने। 2 महीना? तो आप कितने टाइम से ये कितने सालों से कर रहे हैं कारपेट का काम? 1999। 1999 से। और कितना एक हैंडलूम का कारपेट बनने में कितना समय लग जाता है? ये तो बुनकरों के ऊपर बात, 2 महीना में चार सकते हैं, 1.5 महीना में चार सकते हैं, 3 महीना में, 6 महीना, मगर न ऊपर काम करेंगे। ये जो बन रहा है कारपेट, ये क्या साइज बन रहा है और कितना समय लगेगा इसमें? इसमें अगर 2 आदमी के लिए 2 महीना लगी जाऊँगा, एक का साइज होगा 8-10। कारपेट कहाँ कहाँ जाता है आप लोग का? बाहर जाता है, कहाँ जाता है? बाहर जाता है, ये तो कंपनी स्पोर्ट करता है, हम लोग को मान लीजिए लीवर है तैयार करके दे दिया जाता है, तो कंपनी अपन स्पोर्ट जहाँ करता है। और तो काफ़ी दाम में बिकता है, वीवर लोगों के बारे में बताइए थोड़ा। वीवर लोग के वहाँ से जैसे कि जैसे 1500 रुपया का, 300 रुपया का, हमें 2000 रुपया का देंगे, वो ढंग से हम लोग काम करवा जाते हैं। कोई में से जिससे वीवर से हम लोग 15-20 रुपया तिहाई ले लिया, मैंने इसमें 10-6 काम बना था 10 भरे में, तो हिसाब से हम लोग अपने ही हिसाब दे दिया जाता है, कंपनी जो भी काफ़ी मतलब कटौती भी नहीं जाता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी संसारी। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? 10 साल से काम कर रहे हैं। 10 साल से। घर में कौन कौन है? हमारे पास 2 बच्चे। अच्छा, 2 लड़काएं भी हैं। अच्छा, ये नक्शा है? इसी को देख करके बनता है ना? तो ये बताइए, आजकल जो मशीन वाला जो चल रहा है उससे तो आप लोग को काफ़ी नुकसान हो रहा होगा मशीन वाला, अब ये तो हाथ का काम है हैंडलूम। बिल्कुल। यान ये कहाँ से आता है? न्यूजीलैंड से। अच्छा, 2 दिन में तैयार हो जाए, जैसे 5-8 बात है तो 2 दिन में तैयार हो जाए। अच्छा, एक काटी जो सस्ती पड़ा। अच्छा, और सस्ती पड़ा था बिनाई दे तो कम दे थे, और मान लागत उतना ज़्यादा नहीं लगा। अच्छा, इसलिए ही सस्ता भी था। सामने तरफ कौन सा है? हाँ, जब कमरा मिठेगा तो ऊपर। बहुत प्यारा है, इस डिज़ाइन को क्या कहते हैं, कुछ नाम है नक्शे का? नक्शा फ्लावर कहिए। फ्लावर।